हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे सिंगल रिपीटेड लैप ज्वाइंट। तो देखिएगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था जी डबल रिपीटेड लैप ज्वाइंट चैन टाइप, उसी में था जी जिगजैग टाइप, उसी तरह ट्रिपल रिपीटेड लैप ज्वाइंट था, वो आपका जिग जैग भी था और उसमें चैन टाइप भी था। लेकिन ये जो सिंगल रिपीटेड लैप ज्वाइंट होता है, ये इसमें कोई आपका ना होता है, इसमें ना चैन टाइप होता है ना आपका जिग जैग टाइप, ये ओनली वन, ये दोनों में यही होता है जी। तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन समझ लेते हैं, ये डायमेंशन कितना बाई कितना का है, तो इसको हम लोग प्रॉपर समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से लेके ये सेंटर लाइन है बीच में, और सेंटर लाइन से यहाँ तक का 1.5D है, फिर इधर भी 1.5D है जी, क्लियर है। सेम इसी का ग्राफ हम लोग शो किए नीचे की तरफ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ टोटल शो हुआ है, और शो करने के बाद ये वाला आपका क्या है 1.5D, फिर 3D और 1.5D, तो इसको ऐड कीजिए 3D तो 6D और 1.5D और 1.5D, तो ये भी 3D हो जाए, तो टोटल कितना हो रहा है जी, तो 9D हो रहा है टोटल हमारा कितना, तो ये 9 गुने। और डी का वैल्यूएशन देखिए, डी का वैल्यू अपने से माना जाता है या क्वेश्चन में दिया रहता है, सिर्फ आपको एक डी का वैल्यू दे दिया रहा है तो बाकी सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डी का वैल्यू 20 है, तो ये टोटल 9 दुना 18 यानी 180 mm होगा। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का गैप ये कितना रहेगा जी, 180 mm, क्लियर हुआ। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग थोड़ा सा अच्छा दिखे तो या बारी बारी करके छोटा छोटा करके हम कम कम करके आपको बताते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा पेज को जूम कर लेते हैं जी, आप लोगों को थोड़ा देखने में परेशानी नहीं होगी जी, समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हो गया हमारा, उसके बाद ध्यान से देखिए सीट स्क्वायर हम लोग लेंगे, और उसके बाद एक देखिए ये लाइन है जी, एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन देखें, 1.5D फिर 1.5D, तो 1. तो डी का वैल्यू आप लोगों को मालूम है कितना हम ले लिए जी, 20 ले लिए। आप अपने से चाहते हैं तो डी का वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, या चाहते हैं तो इस जगह पे 50 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये डी के वैल्यू के हिसाब से ये सभी डिपेंड करता है, ये जितना है जी ये रिपीटेड है वो डी का वैल्यू रहेगा, तभी आप लोगों को कन्फर्म। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में है जिसे पूछ देता है फ्री हैंड स्केचिंग, तो फ्री हैंड स्केचिंग में कोई डायमीटर वगैरह का कुछ वैल्यू वगैरह नहीं रहता है जी, डायरेक्ट अपने से ड्रॉ कर दिया, सिर्फ देखने से आपको दिखे जी। लेकिन इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू दे दिया। अब आप लोग देखिए, मैकेनिकल ग्रुप से जो भी स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है जी, वो भले आईटीआई के स्टूडेंट हो, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, या बीटेक एमटेक के स्टूडेंट हो, जो मैकेनिकल विभाग से हैं उनको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो ये 1.5D का मतलब 1.5 गुने आपका 20, तो 20 डेढ़ कितना हुआ जी 30, तो 30 mm ये, फिर 30 mm ये, क्लियर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना गैप है जी 30, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ले लेते हैं जी 30 mm का। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर दिए जी, तो ये 30 है फिर ये 30। अब उसके बाद देखिए ये सेंटर लाइन है, बीच में क्या है जी सेंटर लाइन, तो हम लोग सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे रखेंगे, और देखिए सेंटर लाइन कैसे शो करते हैं, तो सेट स्क्वायर को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए प्रॉपर एडजस्ट करने के बाद ऐसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रॉपर ऐसे सेट स्क्वायर को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर हम लोग मिला लेते हैं जी, क्लियर है। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर क्या है जी, यहाँ से हम लोग मिला लेंगे, और मिलाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, एक यहाँ से सेंटर लाइन शो करेंगे। तो सेंटर लाइन हम जानते हैं क्या होता है जी, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, सेंटर लाइन कैसे शो करते हैं, तो इस तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लेंगे जी। अब ये तो हम लोग सेंटर लाइन शो कर लिया, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला हम लोग लाइन, ये वाला हम लोग प्रॉपर ये ड्रॉ किए हैं जी, ये कुछ एक्स्ट्रा है जी, ये जो एक्स्ट्रा एज गया है तो वहीं लाइन यहाँ से हम लोग लिए हैं, क्लियर है। तो देखिए इसका हाइट, देखिए डी जितना होता है उसका आधा हाइट ऊपर होता है और आधा, जैसे 20 है तो 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, अगर यहीं पर 40 रहता है तो 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे, क्लियर है। उसी तरह जितना डी होता है तो उसका देखिए यानी दो भाग में कर देता है, तो इस लाइन पॉइंट से इधर आधा और आधा पॉइंट इधर, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डी 20 है तो यहाँ पे हम लोग रख के और 10 mm का इधर मार्किंग करेंगे और 10 mm का यहाँ पे मार्किंग, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब सेम प्रोसेस अब क्या करेंगे, ऐसे सेट स्क्वायर को यहाँ पे या स्केल को रख के और 10 mm का ऊपर मार्किंग करेंगे और 10 mm का नीचे मार्किंग करेंगे, समझ में आ रहा है जी। तो ये क्लियर हुआ। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ से देखेंगे, जब ये हमारा मार्किंग पॉइंट हो चुका तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन हल्का सा ये शो करते हैं और इसको हम लोग ऐसे प्रॉपर मिला देते हैं, और इसको देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग फ्लैट यानी तिरछा में इसको मिलाते हैं जी, क्लियर है जी। यहाँ से देखिएगा, फ्लैट यहाँ से मूव किया है ना जी, तो हम भी यहाँ से फ्लैट मूव करेंगे। अब सेम प्रोसेस देखिए, ऊपर भी एक लाइन गया है जी, तो जो मार्किंग यहाँ पे किए थे जी यहाँ से, तो इसके हिसाब से ये लाइन हम यहाँ से हम लोग इसको शो कर देंगे, क्लियर हो रहा है जी। देखिए यहाँ से अब इसको हम लोग प्रॉपर ऐसे शो कर दिए, देखिए शो करने के बाद इसको देखिए, अब ये वाला जो मार्किंग किया हम लोग यहाँ से इसको ऐसे इसको डार्क कर लेते हैं, क्लियर भाई जी। अब इसको देखिए HB पेंसिल की सहायता से हम लोग इसको प्रॉपर क्या करेंगे जी, डार्क कर लेंगे, क्लियर है। सभी लाइन को हम लोग बारीकी से, ये वाला भी लाइन,
उसके बाद देखिए यहाँ से इतना लाइन का हमको आ सकता है जी, फिर हमारा ये वाला इधर का लाइन भी आ सकता है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए ये वाला भी लाइन, और उसके बाद देखिए देखिए ये बनाते समय थोड़ा देखिए वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप लोगों को पूरा प्रॉपर आप लोगों को 100% क्लियर होगा। अब देखिए इसमें ये क्या बना है जी, ये इसमें ये ग्राफ बना हुआ है, तो इस टाइप का हम लोग ग्राफ इसमें भी प्रॉपर शो कर देंगे जी। तो ये वाला फाइनली क्या हुआ, इस टाइप से हम लोग ग्राफ शो कर दिया। देन शो करने के बाद ग्राफ, अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्किल ड्रॉ हुआ है तो इसका मेजरमेंट होता है 0.75 डी, तो 0.75 डी का मतलब हुआ डी का वैल्यू कितना है, तो इसको 15 mm, क्लियर हुआ। तो ये इसकी इसका मेजरमेंट, ये जो सर्किल का, तो हम यहाँ पे हम लोग कंपास लेंगे जी, विदाउट कंपास का काम आप लोगों का ये फिर नहीं हो सकता है वो काम। तो यहाँ पे कंपास में दूरी भर लेंगे कितना का जी, 15 mm का यहाँ पे दूरी भर लेंगे, क्योंकि क्यों ये सर्किल आप लोग को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कंपास में दूरी भर लिए, और भरने के बाद यहाँ से प्रॉपर इसको ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर दें, अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे, फिर यही काम कहाँ नीचे भी करेंगे। देखिए इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर देंगे कि क्योंकि थोड़ा सा डार्क दिखने लगे। तो ये हो गया हमारा, तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, इतना तक हमारा बन गया जी, क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट बन गया। अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग साइड में ऐसे कर लेते हैं, और साइड में करने के बाद इसको देखिए ये जितना ग्राफ है जी सबको हम लोग ये सभी को हम नीचे की तरफ ग्राफ शो करेंगे। तो ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये टोटल जो भी ग्राफ यहाँ पे शो हुआ है जी, ये प्रॉपर सभी ग्राफ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सभी को नीचे की तरफ ग्राफ शो करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये ग्राफ क्यों किस लिए शो हो रहा है जी, जिसके कारण क्या हो फिगर थोड़ा बेस्ट है, ये फिगर जब तक ये ग्राफ नहीं शो करेंगे तब तक ये नीचे फिगर नहीं बन पाएगा जी। अगर ऐसे बनाइए विदाउट ग्राफ का तो आपका फिगर गलती हो सकता है। तो देखिएगा हर पॉइंट से ये यहाँ से सभी पॉइंट से नीचे की तरफ ग्राफ शो हुआ है। तो ये वाला हम क्या किए जी, ग्राफ हम लोग शो कर लिए यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का कुछ गैप है, तो कितना है आप कितना ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं 10 mm का, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना रखेंगे जी, 10 mm। तो यहाँ से हम लोग 10 mm का मार्किंग, उसके 5 mm का भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग मार्किंग कर लेंगे प्रॉपर, ये वाला 10 mm और उसके बाद 5 mm, क्लियर हुआ। देन मार्किंग करने के बाद देखिए कौन सा किस लाइन से मिलाया गया, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को इस में देखिएगा ये क्या है, हमारा रफ वर्क ये थे, इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये क्या है, गलत हम बनाए हैं जी, इसको हम 100% सही बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा इस पॉइंट को यहाँ से देखिएगा, ये वाला ये जो दोनों लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों क्या हुआ जी, एक दूसरे से एडजस्ट हुआ है जी, क्लियर है। देखिए इस पॉइंट को इससे, तो इसको हम लोग HB पेंसिल की सहायता से इस लाइन को हम लोग शो कर लेंगे, क्लियर हुआ। तो इस लाइन को हम लोग शो कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब नीचे वाला जो लाइन है जी, नीचे वाला जो पॉइंट है, जो निचला पॉइंट है ना जी, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए हल्का सा हमारा क्या हुआ जी, इधर इरेज हो गया, एक्स्ट्रा लाइन आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये हाइट टोटल आप लोगों को पहले ही बताएं जी, 1.5 डी इधर और 1.5 डी इधर है, तो 3D, तो 3D और 3D 6D और 6D प्लस 3D, तो टोटल 90, तो 90 का कैलकुलेशन 180 mm की है। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पे हम लोग 180 mm पे हम लोग मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के बाद ये सेम टू सेम प्रोसेस जो ऊपर किया है ना जी, ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रोसेस हम लोग नीचे कर लेंगे यहाँ से। तो इसको सेट स्क्वायर को ऐसे मूव रखिए बराबर, या स्केल की सहायता से भी ये आसानी से किया जा सकता है जी, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए, और उसके बाद ये जो बाहरी लाइन है जी, बाहरी लाइन, क्लियर है, इसको बाहरी लाइन को हम लोग प्रॉपर, तो ये फाइनली देखिएगा हम लोग ऐसे शो कर दिए। अब देखिए इसको पेंसिल की सहायता से इसको डार्क करेंगे जी, HB पेंसिल की सहायता से, यहाँ से ये प्रॉपर इसको यहाँ से इस लाइन को, फिर आपका ये वाला लाइन, क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से देखिए सेम प्रोसेस इधर भी वही करेंगे जी, इस लाइन को यहाँ से हम लोग शो कर देंगे, फिर इस पॉइंट को इससे, और इस लाइन को यहाँ से इसको, क्लियर हो रहा है जी, इतना फाइनल। उसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो लाइन है, इस लाइनिंग को हम लोग इस तरह से डार्क कर देंगे, आपका इसको हम लोग कर देंगे, सेम प्रोसेस ऊपर भी इसको डार्क कर देंगे। तो ये वाला हमारा इतना हो गया। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर इस पार्ट को, उसके बाद ये वाला इस तरह डॉटेड से ऐसे हम लोग प्रॉपर शो कर देंगे, क्लियर हो रहा है जी। देखिए ये तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, इतना तक ये क्लियर हुआ जी। और उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ से देखिएगा, ये हो गया आपका, ये वाला सभी लाइन को आपस में इसी तरह एडजस्ट कर देंगे जी, ये आपका फाइनली क्या हुआ जी, इतना तक हमारा क्लियर हो चुका। अब देखिए अंदर की तरह, अंदर का जो ये सर्किल है जी, अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इधर से कितना है जी,
डेढ़ डी, डेढ़ डी का मेजरमेंट हम लोग कितना कैलकुलेट किए, 30 mm। तो ये टू यहाँ से इसको सेट स्क्वायर को यहाँ पर रखिए और 30 mm पे यहाँ पे मार्किंग करने। उसके 3D है तो 3D का यहाँ पे 3D यानी 3 × 20 = 60। तो 60 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 60 mm। उसके बाद फिर उसका 3D है तो ये भी 60 mm होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर हो गया जी? तो 1, 2 और आपका 3, तीन ठो सेंटर लाइन, या तीनों सेंटर सॉरी सेंटर पॉइंट हम लोग ले लिए जी। अब यहाँ से हम देखिए इस टाइप का हम लोग सेंटर लाइन यहाँ पे शो करेंगे प्रॉपर। तो फाइनली हमारा इसको सेंटर लाइन हम लोग शो कर दिया। अब देखिए अगले स्टेप में करते क्या है जी। अब ध्यान से ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका, ये जो यहाँ पे अर्धवृत्त लिए ना, इसका जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या लेके ये तीनों पॉइंट पे हम लोग तीनों कॉर्नर पे यहाँ पे सेंटर लाइन। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्किल हम अर्धवृत्त लिए थे ना जी, यहाँ पे कैलकुलेट किए 0 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 0.75D। तो 15 mm, तो 15 mm का यहाँ पे कंपास में दूरी भर लेंगे और इस तरह हम ये तीनों कॉर्नर पे रख के तीन सर्किल हम लोग शो करेंगे। क्लियर भाई? फिर ये इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीनों हम लोग सर्किल हम लोग शो कर दिया। अब देखिएगा अब एक अंदर भी ये क्या है, डॉटेड से ये सर्किल है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए इसका यहाँ से ग्राफ हम लोग शो किए। तो ये अंदर वाला जितना मेजरमेंट है उतना कंपास में दूरी भरेंगे यहाँ से, और उसके बाद इसी सेंटर पर रख के, सेंटर पर रख के यहाँ से हम लोग इस टाइप से एक अंदर भी एक डॉटेड से सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी? ये फर्स्ट हुआ, उसी तरह हम आगे की तरफ सेकेंड थर्ड तीनों में लगातार कर देंगे। तो फाइनली क्या हुआ जी, हम लोग दिखा दिए। उसके बाद देखिए प्रॉपर सबका डायमेंशन हम लोग शो कर देते हैं जी, कौन कितना डायमेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे शो कर दे रहे हैं कि आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी जी। तो हमारा क्या हुआ जी, सबका हम लोग प्रॉपर क्या किए, डायमेंशन इधर हम लोग शो कर दिए यहाँ पे, ये कितना है। उसका देखिए इसका कितना मेजरमेंट है, ये भी कितना है। उसका देखिए प्रॉपर सबका 100% हम लोग क्या किए जी, यहाँ पे ये सभी मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग शो कर दिए। क्लियर? उसके बाद ये सब बनाने के बाद नीचे लिख दिया ऑल डायमेंशन आर इन .mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी मेजरमेंट दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। तो फाइनली क्या हुआ जी, हमारा ये क्या बनकर रेडी हो गया, तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट हमारा बनकर 100% क्लियर हो गया। देखिए आप लोग एग्जाम में ये 20 से 25 नंबर में आता है जी, 15 से 20 नंबर में ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैकेनिकल विभाग के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना ध्यान से देख कर और सही से प्रैक्टिस एक दो बार चार बार कर लेंगे प्रैक्टिस, तो काफ़ी बेटर रहेगा जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, उसका जरूर सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।